असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। प्रचलित मान्यता है कि दशहरे पर कुछ खास चीजों का दिख जाना बहुत शुभ माना गया है, यानी इस शुभ दिन अगर आपको इनके दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। तो चलिए जानते हैं ये चीजें कौन सी है। दशहरे के दिन अगर आप नीलकंठ पक्षी को देख लें तो समझ लें कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके धरती पर विचरण करते हैं। दशहरे के दिन अपने गाँव या शहर की सीमा से बाहर जाकर किसी मंदिर में देव दर्शन करने चाहिए, इसे बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल दशहरे को यात्रा तिथि भी कहा जाता है। पुराने समय में इस दिन लोग अपने गांव की सीमा को पार करते थे, इसे सीमा उल्लंघन कहा जाता था। दशहरे के दिन तैरती मछली का दर्शन भी बहुत शुभ माना गया है। अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में नदी या तालाब में तैरती हुई मछली आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके संकट खत्म होने वाले हैं। माना गया है कि तैरती मछली के दर्शन होने से पूरे साल घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।